अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो? ठीक ठाक हो व्यूअर्स? आज हम आए हैं अपने खरगोशों के लिए मटके लेने। तो आइए आपको दिखाते हैं कि इसके पास कौन कौन से मटके हैं खरगोशों के लिए। ये इस भाई के पास दो गमले थे, टूटे हुए थे, तो ये कहता है कि हम आपको सस्ते देंगे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, हमने मटके ले लिए खरगोशों के लिए, अभी घर जा रहे हैं। ठीक है, हम घर पहुंच चुके हैं और अभी इसमें ड्रिल के जरिए सुराख करेंगे। एक में पाइप लगा लिया और दूसरा आपके सामने अभी इसमें लगाएंगे। ये हमने जल्दी जल्दी की है ताकि आप लोगों का टाइम ज़ाया ना हो। मटके को कमरे के अंदर इसलिए ले जा रहे हैं कि ये ड्रिल मशीन जो है ना बहुत शोर करता है, तो इससे हमारे हमसाए जो है ना फिर डिस्टर्ब होते हैं, तो इसलिए कमरे में इसमें सुराख करेंगे। और थोड़ा सा शोर हम आपको भी सुनाएंगे। तो दोनों मटकों में पैप लग चुके हैं। हर गोश्त जो है ना अभी पैरट के केज में मौजूद है इस घर में, उस घर में अभी ले जाएंगे, मगर ये भूखे है, उसको कनक लाते हैं, इसके बाद इसको यहाँ से ले जाके वहाँ छोड़ते हैं उस नए घर में जिसको हमने अभी बनाया है। और इधर कॉकटेल जो है ना अपनी मामूल के मुताबिक दाना खा रहे हैं। कॉकटेल ने भी अंडे दिए हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा ज़रूर। अच्छा व्यूअर्स, तो अभी मैं एक कार्टन ले आया हूँ खरगोशों को पकड़ने के लिए और ट्राई करता हूँ। यार ये तो बहुत मुश्किल काम है इसको पकड़ना। चलो कुछ ना कुछ करता हूँ, अंदर मैं केज के अंदर आ गया हूँ और इसको पकड़ता हूँ। ये बहुत नरम मुलायम होते हैं। एक तो चला गया है मटके में, पैरट के मटके में चला गया है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। एक अंदर छुप चुका है और ये दूसरा जो है ना मैं इसके अंदर कोशिश कर रहा हूँ कि ये भी अंदर हो जाए, तो ये मटका सारा उधर ले जाऊंगा, मगर ये अंदर जाता नहीं है। और ये जा और चलो 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 हो गया जी, खुद बहुत चला गया। चलो इस मटके को वहाँ ले जाते हैं। ये कुछ पत्ते हैं, ये हम साथ ले जाके इधर ले आए हैं। पत्ते को मैंने ज़मीन पर डाल दिया है और अब ट्राई करता हूँ कि ये खरगोश जो है ना इस मटके से बाहर आ जाए। आ जाओ भाई बाहर आ जाओ, आपका नया घर, आपको नया घर मुबारक हो, बाहर आ जाओ भाई। और अभी जो है ना ये रैबिट हाउस जो है ना थोड़ा सा और अपडेट करके आपको दिखाता हूँ। ये मेरे पास चूते थे काफ़ी माशाल्लाह और बड़े हो चुके हैं थोड़े थोड़े, कुछ पानी पी रहे हैं, कुछ दाना खा रहे हैं, कुछ माँ के साथ मशगूल हैं। और बिला आखिर घर तैयार हो गया और मेरा रैबिट जो है ना बहुत खुश है इस घर में माशाल्लाह। आप देख सकते हैं एक अंदर जा चुका है और एक बाहर छुप चुका है। तो मैंने इस तरह का रैबिट हाउस बना दिया है। आप लोगों को अगर पसंद आए तो मुझे ज़रूर कमेंट में बता देना।
और मेरे चैनल को भी लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, ठीक है।